हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉडिफाइड व्लॉग्स। मैं हूं मिथन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बाइक को वॉश। देख सकते हो मेरी बाइक की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा यहां पे ख़राब हो चुकी है, काफ़ी दिन से चली नहीं है बाइक। वैसे आपको एक क्लोजअप लुक दे देता हूं पहले कैसा कंडीशन है। देख सकते हो बेली एरिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है एंड इंजन के आसपास जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो ये जो मैंने कवर नहीं करके रखा था उसका ये नतीजा है। एनीवेज तो इसको वॉश करना पड़ेगा अभी, और इसके लिए मैं वॉश करने के लिए यहाँ पे शैम्पू यूज़ करूँगा। मैट वॉश शैम्पू है यूनिवेक्स का, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है। तो इसको ट्राई करेंगे किस तरह से काम करता है। धूल मिट्टी वगैरह देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इस पर जमी हुई है। तो इसके लिए वॉश करने वाले हैं हम शैम्पू से, ताकि बाइक पहले जैसे बिल्कुल नई जैसी हो जाए। तो ये अप्लाई करेंगे एंड इसके बाद हम ये मैट फिनिश पॉलिश को अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जल्दी से करते हैं इसकी क्लीनिंग एंड इसके बाद इसको करेंगे पॉलिश। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला, मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ना विदाउट वेस्टिंग नो टाइम। लेट्स बिगिन। इसको प्रेशर वॉश से क्लीन करने वाला, धूल मिट्टी वगैरह है वो थोड़ी बहुत हट जाएगी। इसके बाद हम इसके ऊपर शैम्पू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास प्रेशर वॉशर रेडी है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बाइक को अच्छे से वेट कर लिया है। अब इसके ऊपर शैम्पू अप्लाई करेंगे, बिकॉज कभी भी आपको ड्राई सरफेस पे शैम्पू अप्लाई नहीं करना होता। बाकी अभी शैम्पू को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम फोम वॉश करेंगे। आप बताना अगर आपको बकेट वॉश का एक वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसको अभी मैं कर रहा हूँ फोम वॉश। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ ये शैम्पू, मैट वॉश शैम्पू। तो साइड डिटेल आप देख सकते हो पीछे की साइड पे लिखी हुई है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन फॉर यूज़ में अगर आप देखें यहाँ पे तो 10 ml डाइल्यूट करना होता है 500 ml वाटर में, अगर आपको बकेट वॉश करना है। और अगर आपको इसको एज अ फोम स्प्रे गन से यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे 100 ml यूज़ करना है 1 लीटर वाटर में। तो अब यही करना है हमको। तो यहाँ पर जो मेरी जो कैन है ये 500 ml की अराउंड, तो इसके अंदर जाएगा हाफ यानी 50 ml जाएगा इसमें। तो ये इसके अंदर पोर करते हैं, बाकी पानी डाल के जल्दी से करते हैं फोम वॉश। तो सबसे पहले इसको एक अच्छे से शेक देते हैं। इसके बाद अभी मैं इसके ना 40 या 50 ml पोर कर देता हूँ फोम वॉश के लिए। तो यहाँ पे मैंने 50 ml ले लिया अराउंड। अब इसके ना पानी बाकी पोर करूँगा ऊपर तक एंड इसके बाद इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैंने इसके ना पानी ले लिया, इसको अच्छे से एक मिक्स दे देते हैं। तो चलो इसको अप्लाई करते हैं। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अपन ने फोम वॉश स्प्रे गन से कर दिया है अच्छे से। ये पूरा शैम्पू देख सकते हो लग चुकी है। तो अब यहाँ पे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं थोड़ा इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ एंड इसके बाद फिर इसको वॉश करेंगे। सो ये ले लिया अपन ने माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और इसको अभी मैं अच्छे से सारी जगह बॉडी पर क्लीन कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये जो हार्ड टू क्लीन जो होते हैं ग्रीस वगैरह मार्क्स होते हैं, ये देखो कितने ईजिली तरीके से क्लीन कर देता है। और कहीं अगर ज़्यादा स्टबन है तो आप उसको थोड़ा सा शैम्पू लेके और सेपरेटली क्लीन कर सकते हो। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने इसको पूरा शैम्पू कर दिया था, अब इसको वॉश करने की बारी आ गई। तो जल्दी से इसको वॉश करते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो अपनी बाइक प्रॉपरली यहाँ पे क्लीन हो चुकी है, शैम्पू वॉश हो चुका है। थोड़ा ड्राई कर लेते हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अपनी बाइक पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। ऑल्दो यहाँ पे आपको कहीं कहीं ना
ये वाटर मार्क्स देखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये जो एरिया आप देख सकते हो अगर रिफ्लेक्शन में दिख रहा हो तो यहाँ पे वाटर मार्क है, इस पर दिख रहा है वाटर मार्क, एंड कहीं कहीं जहाँ पे जो ब्लैक एरिया होता है ना स्पेशली उस पर दिखता है, तो यहाँ पे देख सकते हो वाटर मार्क साइड में है। तो ये सारी जगहों पे आपको वाटर मार्क्स और ऐसे दिखेंगे कहीं कहीं चीज़ें। तो बेसिकली क्या है, इसको आपको अभी फर्दर क्लीन करना है, यानी इसको चमकाना है, और चमकाने के लिए आप मैट पॉलिश के अलावा कुछ और यूज़ कर नहीं सकते। यहाँ पे ग्लॉसी का कुछ भी करेंगे तो अपनी जो पेंट सरफेस है वो ग्लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरे भाई के साथ ऑलरेडी ऐसा खेल हो चुका है, सर्विस सेंटर वालों ने यहाँ पे नॉर्मल शैम्पू से इसको वॉश कर दिया था, एंड इसके बाद वैक्स वगैरह क्रीम लगा के उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया इसका। तो ये सैटिन लुक है बेसिकली, अब ये मैट इतना है नहीं, बट फिर भी अगर आप इसको फर्दर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैट फिनिश आता है यूनिवेक्स का। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे यूजिंग दिस माइक्रोफाइबर क्लॉथ। तो थोड़ा सा क्वांटिटी लेंगे एंड इसके ऊपर लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको अप्लाई करना है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया है, अब अभी आप देख सकते हो क्योंकि हमारी बाइक बिल्कुल क्लीन है तो इसके ऊपर डस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये देख सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पोर करूँगा, और क्योंकि लिक्विड बेस्ड है तो बस थोड़ा सा लेंगे, आप इसको इस तरह से अप्लाई करोगे। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे देखो अभी मैंने अप्लाई किया, एंड जितना भी जो भी यहाँ पे वाटर मार्क्स थे और जो चीज़ें दिख रही थी वो सब चीज़ें अब जा चुकी हैं। इसके बाद आप ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकते हो। दूसरे साइड से ले लेंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ को, और जहाँ पे भी अप्लाई हुआ है ना बस उसके ऊपर हल्का सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर लेंगे, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ये मैट क्ले है। तो देख सकते हो अप्लाई किया, एंड इसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हमने इसको हटा दिया, तो जो भी शाइन दिख रही थी ना अप्लाई करने के बाद वो फिर से मैट हो जाएगी। ये देखो कुछ इस तरह से, अभी मेरी बाइक में इतना विजिबल नहीं है बिकॉज मेरी बाइक के साथ ऑलरेडी खेल हो चुका है, तो इसके ऊपर तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो अप्लाई करने के बाद बिल्कुल स्मूथ एक फिनिश आ जाती है, एंड जितने भी बर्ड ड्रॉपिंग्स वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो नॉर्मली शैम्पू से क्लीन नहीं होती हैं, क्योंकि शैम्पू को भी आप ज़्यादा रब नहीं कर सकते, मैट बाइक पे यही दिक्कत होती है कि आप शैम्पू वगैरह या कुछ भी आप अप्लाई करोगे तो उसको रबिंग नहीं कर सकते ज़्यादा, अदरवाइज़ आपका जो मैट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसा मेरी बाइक के साथ हो चुका है। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, चीज़ें याद रखनी है, जब भी आप इस तरह का मैट फिनिश पॉलिश यूज़ करो या शैम्पू यूज़ करो इसके ऊपर, ऑल दो वो मैट क्ले है बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इसको कम से कम रबिंग करना है, बस यही रूल है। अगर आप इसको सही से फॉलो करोगे तो आपकी बाइक काफ़ी लंबे टाइम तक मैट मेंटेन रहेगा, और कभी भी ग्लॉसी एंड शाइनी वाला जो बफिंग वाले या वैक्स जो होते हैं वो इस पर अप्लाई नहीं करना है, पॉलिश वैक्स कभी भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। शैम्पू की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों यू नो फोम वॉश और बकेट वॉश दोनों तरह से काम करता है, कार बाइक सब कुछ इससे आप क्लीन कर सकते हो। सेम गोज विद दिस मैट फिनिश पॉलिश, तो ये भी सिलिकॉन और वैक्स फ्री है, तो आपको सिंपली इसको अप्लाई करना है एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप ऑफ कर देना है, बस इसके बाद आपका जो मैट लुक है वो दिख जाएगा आपको अच्छे से, एक मैट फिनिश दे देता है बिकॉज इसके ना कोई भी सिलिकॉन या वैक्स नहीं है तो मैट लुक ही आएगा, बिल्कुल भी शाइन नहीं आएगी उस पर। और शैम्पू ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बैली एरिया काफ़ी ज़्यादा गंदा था बट अब ये प्रॉपरली क्लीन हो गया है, जो बाकी कसर रह गई है वो इससे पूरी हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप पूरी बाइक को कर सकते हो, मैं जल्दी से पूरा फिनिश करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ओवरऑल लुक। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अपनी बाइक प्रॉपर्ली यहाँ पे क्लीन हो चुकी है शैम्पू की मदद से, एंड यहाँ पे मैंने मैट फिनिश पॉलिश भी अप्लाई कर दिया, तो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा सामने, डिफरेंस पता चल रहा होगा, जो ब्लैक हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक दिख रहे हैं एंड जो मैट वाली सरफेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरह दिख रही है मेरी बाइक में, ऑल्दो इतना आपको पता नहीं आएगा क्योंकि जो मेरी बाइक का पेंट है वो थोड़ा सा सेट इन हो चुका है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज़ है ना प्रोडक्ट, आप इसको इस तरह से स्प्रे बॉटल में यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा।
क्योंकि डायरेक्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे अप्लाई करने से आपका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसके लिए मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप स्प्रे बॉटल यूज़ करो। शैम्पू हालांकि कम क्वांटिटी यूज़ होता है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। सो ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे काफ़ी सही लगे दोनों ही। आप इनको बाय कर सकते हो अमेज़ॉन से, और यू कैन डायरेक्टली बाय इट फ्रॉम यूनिवेक्स वेबसाइट। तो दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर इनको परचेज़ कर सकते हो। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 490 या 500 के आसपास मिल जाता है, 510 ऐसे कुछ प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसका भी सेम प्राइस है, 510 या 490 के आसपास, मतलब 500 के आसपास आपको मिलेगा। 1 लीटर की बॉटल है दोनों, और इसमें आपको बड़ा जैरिकैन वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब 5 लीटर का जैरिकैन, इन केस आप कार वगैरह के लिए देख रहे हो तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। सो यही था वीडियो गाइस, आप देख सकते हो फिनिश कितनी अच्छी आई है। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ क्लोज़अप, तो देख सकते हो एफर्ट्स यस थोड़े लगते हैं यहाँ पे, आपको जो मैट सरफेस है उसको बफ करना नहीं है, बट एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। एंड बाइक्स में जब ऐसे हिडन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हार्ड टू रीच स्पेसेस होते हैं, उसको क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो रिजल्ट है बहुत ही अमेजिंग है, मैं इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। सो यस, डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ये दोनों प्रोडक्ट आपको, और आप इसको ले सकते हो अमेज़ॉन से एंड यूनिवेक्स की वेबसाइट से। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवन डन येट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग मोटिफाई ब्लॉग्स, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड गुड बाय। To change your